inside every self-made man, there's a poor kid who followed his dreams. हाँ जी, हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक वो छोटा बच्चा है जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए. So I'm Stebin Ben, I'm 26 years old. I'm a self-made man and a self-trained singer. मैं भोपाल का रहने वाला हूँ एंड ये उस समय की बात है जब भोपाल एक बहुत बड़ा शहर नहीं हुआ करता था. एंड मेरे मॉम डैड बहुत बड़े सपने देखते थे, उन्हें बहुत बड़े सपने देखे थे, बट दे सैक्रिफाइज्ड एवरीथिंग फॉर माय ड्रीम्स. दे सैक्रिफाइज्ड एवरीथिंग फॉर मी बिकॉज आई वाज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर पर मैं अपनी ना लाइफ में एक बहुत ही ऑपोजिट था. आई कुड नेवर सैक्रिफाइस ऑन माई ड्रीम्स. अपने ड्रीम्स मैं कभी सैक्रिफाइस नहीं कर पाया. बहुत ज़्यादा सपना देखा करता था मैं स्कूल में, क्लास में, पढ़ाई के बीच में, खेल कूद के बीचों भी सपने देखता था मैं. तो जैसे एक हर बच्चे का एक सपना होता है ना, वैसा मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे उस टाइम पर. क्रिकेटर बनना चाहता था मैं, इंजीनियर बनना चाहता था, पायलट बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, सब कुछ बनना चाहता था मैं. एंड मेरे शौक में जो ड्राइवर भी बनना था, जो शायद कोई ड्राइवर बनना ना चाहे, शायद मैं वो भी बनना चाहता था. अनटिल वन डे मेरी टीचर ने मुझसे गाना गाने को बोला स्कूल में. एंड मैं बहुत ही शाय बंदा, मुझसे ना मैं बहुत ही शाय था स्कूल में. सो आई कम फ्रॉम अ क्रिश्चियन फैमिली, वेरी हम्बल बैकग्राउंड. एंड चर्च में सारे बच्चे जाते थे, क्वायर में गाने गाते थे, और मैं बहुत ही शाय बंदा था. मुझसे ना हो ही नहीं पाता था कि मैं जाऊं और क्वायर में किसी के साथ गाऊं. तो जब टीचर ने मुझे पहली बार गाने को बोला तो पता नहीं कैसे ऐसे शिवर हो रहा था मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, बट गा दिए मैंने कुछ लाइन्स. एंड उस दिन सब ने अप्रिशिएट किया, टीचर्स ने पसंद किया, सभी को पसंद आया. एंड जब सबने पसंद किया तो मैं उस दिन से स्कूल का सिंगर बन गया, एंटरटेनर बन गया स्कूल का. जब भी ब्रेक मिलता है तो सारे टीचर्स मुझे बोलती गाना गाने के लिए, सारे बच्चे मुझे गाना गलवा रहे क्लास में. सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्टार्टेड एंटरटेनिंग माय फ्रेंड्स इन माय स्कूल इन ऑल द फंक्शंस. एंड मुझे ना म्यूज़िक का पैशन बढ़ता गया मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का पैशन, जो आग थी वो बहुत बढ़ती गई. एंड ऐसे करते करते स्कूल लाइफ ख़त्म होने लगी, म्यूज़िक भी बढ़ गया. एंड सिर्फ पेरेंट्स की वजह से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी ऑनेस्टली. एंड मैं कॉलेज में आ गया, मैंने इंजीनियरिंग ऑप्ट कर लिया, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू कर दी पेरेंट्स के वजह से. एक्चुअली मेरा मन नहीं था, मेरा दिल नहीं करता था, क्योंकि मैं बहुत ही पैशनेट था म्यूज़िक के लिए, मुझे सब कुछ म्यूज़िक में करना था. बट कहते हैं ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है. सो आई वॉज वेटिंग फॉर माई टाइम. एंड होता यह है कि पेरेंट्स को प्रूव करना बहुत ज़रूरी है. पेरेंट्स की कभी गलती नहीं होती एक्चुअली, कि पेरेंट्स हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, हमें हमेशा राइट गाइडेंस देते हैं, बट हमें लगता है कि शायद हमें पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है. बट ऑनेस्टली हम भी एक्चुअली वो प्रूव नहीं कर पाते पेरेंट्स को. तो हुआ ये मेरे साथ कि मैंने सोचा कि मैं ऑडिशंस में जाता हूँ. कुछ ऑडिशंस के लिए मैं गया भोपाल के अंदर. एंड जब मैंने ऑडिशन दिया तो वहाँ पर मुझे बोला कि आपने बहुत अच्छा गाया है, अपना नंबर दीजिए. मैंने अपना लैंडलाइन नंबर दिया, उस टाइम पर लैंडलाइन नंबर्स होते थे. एंड मैं घर आया तो कॉल्स नहीं आए बहुत टाइम तक, एक साल तक कोई कॉल नहीं आया. फिर वापस से मैं ऑडिशन में गया और मैंने फिर से यही चीज़ करी. इस बार मैंने घर पे बताया कि मैं ऑडिशन पे जा रहा हूँ. और जब मैं ऑडिशन पे गया तो यहाँ फिर से मुझे बोला कि बहुत अच्छा गाया आपने, हाँ वो कॉल करेंगे. एंड फिर कॉल नहीं आया. जब ये कॉल नहीं आया तो मेरे पेरेंट्स को पता चल गया, तो ऑब्वियसली दे कुडंट सपोर्ट मी इन दैट मैटर. और अक्सर ना ये छोटे शहरों में ना एक्चुअली ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा करियर आप नहीं बना पाते हो. तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा स्ट्रेस रहा मेरे लिए, बट आई नेवर गिव अप ऑन माई ड्रीम्स. एंड मेरे साथ ही साथ ना सबने अपने अपने ड्रीम्स पे गिव अप कर दिया. मेरे जितने फ्रेंड्स थे, जितने मेरे साथ म्यूज़िक कर रहे थे, जो मेरे बैंड में थे स्कूल कॉलेजेस में, सब ने छोड़ दिया म्यूज़िक. बट मैं सोच के बैठा था कि यार एक ना एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आई से दैट आई मेड इट, कि मैंने कुछ किया है, मैं कुछ कर पाऊँगा. सो आई नेवर गिव अप ऑन माई ड्रीम्स. मैंने घर पे
चुपचाप कॉर्नर में बैठ के म्यूज़िक सीखना कोशिश की. एंड मैं बैठता था गिटार लेके और जो भी मैं गाने सुनता था मैं उसको सीखने की कोशिश करता था और प्रैक्टिस करता था. एंड यूट्यूब भी चालू किया, उस टाइम पे यूट्यूब चालू ही हुआ था इंटरनेट पे, तो मैंने थोड़ा यूट्यूब भी देखना चालू किया, थोड़ा कोशिश की सीखने की. एंड इन सब से ना थोड़ा बहुत सीखना चालू कर दिया. फिर ना एक नया ड्रीम आया कि भाई इंडिपेंडेंट होना है, और इंडिपेंडेंट होना है तो कुछ कमाना है. एंड उस टाइम पे फिर छोटे छोटे कैफेज़ लॉन्जेस होते थे भोपाल में, तो मैं चले गया लॉन्जेस में. एंड वहाँ पे मैंने कुछ सबसे पहला जो शो किया वो कुछ 5 लोगों के लिए किया, जो 5 लोग बैठे थे मेरे लिए सामने, और उनने मुझे कुछ पैसे दिए उसके लिए. एंड देन अगली बार जो मैंने शो किया उसके लिए, उसके सामने ऑडियंस मेरे 50 लोग थे और मुझे थोड़े और ज़्यादा पैसे मिले. तो ना कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता गया. मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मैं ये सब कर रहा हूँ थोड़े बहुत पैसों के लिए, सो दे डिडंट सपोर्टेड मी. दे वर ऑनेस्टली अशेम्ड ऑफ मी फॉर व्हाट आई वाज डूइंग, बिकॉज आई वाज विदाउट देयर परमिशन आई वाज गोइंग टू द क्लब्स एंड आई वाज गोइंग टू दीज प्लेसेज एंड आई वाज सिंगिंग. बट होता है ना, आपका ड्रीम, आपका सपना वो आप ही का होता है, आप किसी के नहीं सुनते, क्योंकि वो सपना आपका है, आपने उस सपने को बनाया है, छोटे से सपने को बड़ा बड़ा बनाया है. एंड यू नो मैंने वेट किया कि मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं जल्दी से बाहर जाऊँ. फिर आता है कॉलेज ख़त्म होने का टाइम एंड मैं घर पे झूठ बोलता हूँ कि मुझे एक फिल्म का सॉन्ग मिला गाने के लिए, मुझे बॉम्बे जाना है. एंड मैं बॉम्बे चले जाता हूँ. तो बॉम्बे आने के बाद ना यू नो एक फीलिंग होती है इंसान के अंदर, एक इंसान बदल ही जाता है कि भाई मैं बॉम्बे आया था तो मैं बॉम्बे का स्टड, और मुझे लगा कि यार अब तो बॉम्बे के अंदर मैं हीरो हूँ. मैंने अपने बाल वाल ऐसे फुल स्पाइक किए, पहली बार सीखा था, फुल बालों को इतने ऊपर खड़े किए, जो टिपिकल रब ने बना दी जोड़ी में जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है ना वो मैंने किया एक्चुअली. वो इतनी सी बनियान और वो टाइट सी और वो चश्मा वश्मा फुल डिओड्रेंट वगैरह मार के मैं गया. तो मैंने देखा पहुँचना कैसे है यहाँ तक. जो शो था वो था चर्च गेट पे और मैं था अंधेरी में. अब देखा रास्ता जाने के लिए सिर्फ एक लोकल ट्रेन था. भाई अब लोकल ट्रेन में चढ़ने के पहले मैं इतनी भीड़ देखकर पहले घबरा गया. स्टेशन पर रुकते से अपने आप में धक्का मुक्की में अंदर ट्रेन में पहुँच भी गया, धक्का मुक्की से बाहर भी आ गया, और ऑटोमेटिकली आई वॉज देयर एट द विन. जब मैं शो के पहले जब शो की तरफ जा रहा था तो मैंने रियलाइज़ किया, अपने आप को देखा तो मेरे जो ऐसे बाल थे वो ऐसे हो गए थे, और जो चश्मा मैंने यहाँ पहना था वो तो इतना धक्का मुक्की पड़ रहा था कि मैंने यहाँ लगा लिया, वो यहाँ भी टूट गया वो चश्मा. तो बॉस एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी कि बॉस दिस इज नॉट गोना बी ईजी इन बॉम्बे. बॉम्बे इज टफ, लाइफ इज गोना बी हार्ड. इतनी रातें जो स्लीपलेस नाइट्स रही है मेरी, और कितनी रातें मैंने एक्चुअली बिता दी बिना खाना खाए, और क्योंकि वो नहीं था कि माँ बाप नहीं कर सकते, माँ बाप कर सकते हैं, बट यू डोंट वॉन्ट टू टेल देम, यू कीप देम इन योर हार्ट, यू कीप एवरीथिंग इन योर हार्ट, क्योंकि यू डोंट वॉन्ट टू सफर, यू मेक योर पेरेंट्स सफर या अपने माँ बाप को पता, क्योंकि डराने का आपको मन नहीं करता, आप चाहते हो कि आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो. तो मैं आई वॉज एबल टू हैंडल फॉर द फर्स्ट 3 years ऑनेस्टली इन बॉम्बे. आई कुड नॉट डू वेरी वेल एंड थोड़े बहुत छोटे मोटे शोज होते थे कभी कभार वो भी. एंड बाकी टाइम ना लाइफ बहुत हार्ड थी. बहुत बार सोचा कि वापस चले जाऊँ, बट यू नो एक आपका दिल कहता है कि नहीं यार, इतने साल हो गए, आपने सब कुछ छोड़ के आप आए हो घर से बाहर, तो गिव अप तो नहीं करना है. सडनली कहते कि किस्मत सबकी एक दिन चमकती है, तो मेरी किस्मत भी चमकी. मुझे एक अवार्ड शो पे परफॉर्म करने के लिए बुलाया, एंड वहाँ से मेरे शोज़ बढ़ते गए, इतने सारे शोज़ हो गए. छोटे मोटे कैफे से मैंने सीधे जंप किया बड़े वेन्यूज़ में. मैंने शोज़ किए अमेरिका में, अफ्रीका में, चाइना में, दुबई में, यूएई में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन द बिग बिग वेन्यूज़. सारे फेस्टिवल्स मुझे मिल गए. एंड सडनली मुझे एक गाना ऑफर किया गया, मेरा दिल भी कितना पागल है, जो कि 27 साल बाद फिल्म रिक्रिएट हुआ था. एंड ये गाना रिक्रिएट हुआ गया एंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली. तो बहुत कुछ चेंज हुआ लाइफ में, बहुत कुछ चेंज हुआ. फॉलोअर्स बढ़ गए, पॉपुलर हो गए, यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए. बट हैप्पीनेस पता है किस चीज़ की थी? हैप्पीनेस उस चीज़ की थी जब माँ बाप को फ़ोन करता था ना तो उनकी शक्ल में खुशी होती थी, और वो जो हैप्पीनेस मैं फील करता था उनसे बात करते हुए, दैट इज़ इट ब्रो, वो ही चाहिए था. मतलब इसी के लिए मैं अपनी लाइफ में इतनी मेहनत कर रहा था. मुझे रियलाइज़ हुआ कि you know, जो प्यार माँ बाप से मिलता है ना वो एक अलग ही फीलिंग होती है. एंड वेन यू गो आउट यू मिस देम एंड यू रियलाइज द वैल्यू, यू रियलाइज देयर लव एंड एवरीथिंग. सो दैट वॉज द मोमेंट. अब जब ये सब कुछ हुआ ना, लाइफ बहुत ही अच्छी होती गई, सब कुछ सेटल्ड हो गया. बॉम्बे लाइफ एवरीथिंग वॉज गुड, आई नेवर गेव अप ऑन माई ड्रीम्स. सो यू नो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ आज एक्चुअली, कि सबसे ज़रूरी हमारी लाइफ में है ना एक ड्रीम बनाना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट थिंग इज़ टू ड्रीम, सेकेंड थिंग इज़ टू फॉलो योर ड्रीम्स.
एंड थर्ड थिंग इज़ टू चेज योर ड्रीम्स, जो बहुत ज़रूरी है, जो मैंने किया, क्योंकि सपने बहुत लोगों ने देखे जैसे मैंने देखे थे, बहुत लोगों ने फॉलो भी किए और उसके बाद उन्होंने गिव अप कर दिया. अगर आप अपने सपनों को क्विट करते हो, आप कभी अपने सपने को रोक देते हो, तो समवन एल्स इज़ गोना टेक योर प्राइज, कोई और आपके सपनों को ले जाएगा और आपके वो जीत के आ जाएगा. सो यू नेवर हैव टू क्विट ऑन योर ड्रीम्स. आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माई हार्ट, नॉट बिकॉज आई हैव कम हियर टू स्पीच, तो मैं याद करके आया हूँ कि मुझे क्या बोलना है. ऑनेस्टली ऐसा नहीं है. आई एम नॉट हियर टू टीच एनीथिंग टू एनीबॉडी, आई एम जस्ट हियर टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, एंड दिस हैज़ हैपन विथ मी, कॉल इट अ मैजिक और कॉल इट द बेस्ट थिंग हैपन इन माई लाइफ, बट आई कुड एक्सेल इन द थिंग्स आई बिलीव्ड. लाइफ में सब कुछ होने लगा. यू नो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी मेरी लाइफ में इस पूरी जर्नी के बीच में, सेल्फ मोटिवेशन. एंड ये बहुत ज़रूरी है आज सबके लिए. यू नो, मतलब जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं, एंड मुझसे बड़े क्यों ना हो, सीनियर्स क्यों ना हो, बट सबके लिए सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ सेल्फ मोटिवेशन? अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को कहना कि यू आर अमेजिंग, यू आर ग्रेट, तुम कर सकते हो, तुम हर दिन कर सकते हो. एंड आई लिटरली यूज़ टू गेट अप एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड आई यूज़ टू लुक एट द मिरर एंड टेल माई सेल्फ दैट आई कैन एक्चुअली डू इट. सबकी लाइफ में ना कोई रोल मॉडल होगा, आई एम श्योर. किसी के MS धोनी, किसी के शाहरुख खान, किसी के सचिन जी, एंड किसी के प्रियंका चोपड़ा होंगे. एंड बट ऑनेस्टली मेरी लाइफ में ना मेरा कोई रोल मॉडल नहीं था. आई हैव एडमायर्ड लॉट ऑफ पीपल एंड बट रोल मॉडल कोई नहीं रहा, इंस्पिरेशन कोई नहीं रहा. मेरी लाइफ का रोल मॉडल मैं खुद बना. मैंने अपने आप को अपना रोल मॉडल बनाया. मैं अपने आप से इंस्पायर हुआ. एवरी टाइम जब मैंने एक स्टेप से दूसरे स्टेप अपनी लाइफ में लिया ना, जब मैंने छोटे मोटे हर्डल्स अपनी लाइफ में पास किए, जब डेंजर्स को पास किया, तो मुझे लगा कि बॉस आई कैन डू इट. आई यूज़ टू गेट मोटिवेटेड एवरी ईच एंड एवरी पासिंग डे. तो मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ में रोल मॉडल्स हैं, ठीक है, बट वी नीड टू गेट दैट मोटिवेशन, दैट सेल्फ मोटिवेशन इनसाइड. बहुत ज़रूरी है बॉस, बहुत ज़रूरी है. जो दिल के अंदर, जो आपकी दिमाग के अंदर जो आपका मोटिवेशन है, वही आपको आगे ले जाएगा, वही आपको बोलेगा कि यू कैन डू इट. कीप इट इनसाइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज़, जब आप सपने देखते हैं ना, वेन यू ड्रीम, आप दूसरों के सपनों को मत देखो, आप अपने सपने खुद बनाओ. योर ड्रीम हैज़ टू बी योर ड्रीम, योर गोल हैज़ टू बी योर गोल. वाई? क्योंकि आई एम श्योर यहाँ पे सबके सपने अलग है, इनके सपने अलग होंगे, इनका सपना अलग होगा, मोहित का सपना अलग है, मेरा सपना अलग है, हम सभी के सपने अलग हैं. एंड जो मुझे लगता है कि यू नो, यूनिवर्स में मून एंड सन, जो मून एंड सन है, ये दोनों शाइन करते हैं. इसमें से कोई मून होगा, कोई सन होगा, सब लोग अलग अलग होंगे, बट सब शाइन करते हैं. सो कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा बॉस, तो वही वाली बात है. सबका टाइम आता है. मे बी नेक्स्ट डे इज़ योर्स, मे बी नेक्स्ट डे किसी और का. सो आई थिंक होल हार्टेडली यार अपने ड्रीम को फॉलो करो, मेहनत करो, और जितने मोटिवेशनल कोट्स देख सकते हो वो तो प्लीज़ देखो, क्योंकि मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ. दिल जब भी करता है तो वही टाइप करता हूँ, वही देखता हूँ, और कॉपी पेस्ट करके अपने इंस्टा पर डाल देता हूँ, और जो सभी करते हैं. बट एक्चुअली इट हेल्प्स यू अ लॉट, रैदर देन पोस्टिंग हाय हेलो फराना फराना. डू दैट यार फॉर योर ओन गुड, यू नो, कर सकते हो आप लोग. सो माई सो द जर्नी ऑफ माई लाइफ हैज़ बीन रियली ब्यूटीफुल. मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोग को बताया, बहुत लेंदी नहीं किया है, बिकॉज जब मैं छोटा था ना, तो कोई स्पीच देता था ना, तो मैं बहुत बोर होता था, मैं सच में नहीं सुन पाता था. तो मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता था यहाँ पे आके कि यार बड़ा सा स्पीच देने. आई जस्ट वॉन्टेड टू कन्वे माई एक्सपीरियंसिस, जो मुझे मेरी लाइफ में हुआ है. फ्रॉम 5 लोग से परफॉर्म करना चालू किया था, सिर्फ 5 ऑडियंस थी, आज वो ऑडियंस 50,000 की हो गई है. सब कुछ चेंज हुआ. पहली बार जब शो किया था तो 100 रुपये मिले थे, उसमें से ही 50 रुपये वो पेट्रोल के लग गए थे, तो 50 रुपये ही कमाए था मैंने. तो उसके बाद आज जो भी लाइफ ने टर्न लिया है, वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ राइट नाउ, आई थिंक द जर्नी हैज़ बीन रियली ग्रेट. आई विश मैं एक्चुअली आपको सब कुछ डिटेल में बता पाता कि वो स्ट्रगल लाइफ कैसे रही है, उस स्ट्रगल में आप कैसे कैसे उसको बियर कर सकते हो, कैसे क्रॉस कर सकते हो, बट ऑफकोर्स वी हैव द टाइम लिमिटेशंस. सो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने आज बोला है, जो मैंने कन्वे करने की कोशिश की है, वो एक ही चीज़ थी, फॉलो योर ड्रीम्स. एंड पहले सबसे पहले सपना देखो, फिर देन फॉलो योर ड्रीम्स, चेज योर ड्रीम्स. सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरी लाइफ में तो मैं बहुत ही अपने आप को डेली मोटिवेट करता हूँ. मैं किसी से मिलता ही नहीं हूँ, घर पर अकेला रहता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम अकेला स्पेंड करता हूँ. तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को खुद बहुत मोटिवेट कर लेता हूँ, और आप सभी अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो.
okay, I may not be a good speaker, but I have few experiences which I could share with you guys, and there's more. I'm sure you guys will definitely check it later on my social feeds. But yehi aaj ke liye, and thank you for having me here. And I hope my messages was clear to you. So jate jate, I think I would like to sing a song for you guys. Jisme main acha hoon, honestly. Can I have the guitar, please? And ek glass pani bhi, thoda sa wo bottle mein. Kyunki gala sook gaya in logo ko dekhkar yaar ekdam. Life mein shows bahut kiye hai. Public yahan se end tak hoti hai, but jab pehli bar main aaj bolne aaya hu na, to boss aisa lag raha hai ki dharti hil rahi hai. To mujhe lagta hai ki mujhe ek latest gana gana chahiye. मैं देखा तेरी फोटो सौ सौ बार कुड़े क्यों उठते तूफान सीने विच सौ सौ बार कुड़े मैं देखा तेरी फोटो सौ सौ बार कुड़े क्यों उठते तूफान सीने विच सौ सौ बार कुड़े तू सपने में आ ही जानिए तू नींद उड़ा ही जानिए तू सपने में आ ही जानिए तू नींद उड़ा ही जानिए तू मिले एक बार कुड़े मैं देखा तेरी फोटो सौ सौ बार कुड़े के उठते तूफान सीने विच सौ सौ बार कुड़े दीवाना तूने कर दिया तेरे बिन अब मैं रह ना सकूं दिल की बात तुझे आकर मैं कह ना सकूं दीवाना तूने कर दिया तेरे बिन अब मैं रह ना सकूं दिल की बात तुझे आकर मैं कह ना सकूं मेरी गुड मॉर्निंग तू है मेरी गुड नाइट भी तू ये दुनिया रॉन्ग लगे मेरे लिए राइट भी तू तू बन मेरी रानी कुड़े दीवाना निर्माण कुड़े तू बन मेरी रानी कुड़े दीवाना निर्माण कुड़े तू तेरे एहसान कुड़े मैं देखा तेरी फोटो सौ सौ बार कुड़े क्यों उठे थे तूफान सीने विच सौ सौ बार कुड़े